वेलकम टू आमिर क्रेजर का और हैशटैग सवाल समय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके नए सवालों के साथ, लेकिन वीडियो छोड़ने से पहले आपको तो पता ही क्या करना है, वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा एक कॉमेडी चैनल भी है अमिका कॉमेडी तड़का के नाम से, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियोज अच्छी लगे तो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते सवालों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है गौरव स्वारणकर जी का। हाय गौरव जी, गौरव जी बोल रहे हैं आई डोंट वांट टू यूज, वो बोल रहे हैं सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन में, आई डोंट वांट टू यूज डिटर्जेंट इन दिस मशीन, आई यूज इजी, सो इजी कब डालना है मशीन में, ड्यूरिंग स्पिन और ड्यूरिंग वॉश, एंड रिंस के टाइम क्या ओके एंड रिंस के टाइम क्या होता है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। ओके जनरली वो बोल रहे हैं कि आपको डिटर्जेंट नहीं यूज़ करना है, उसकी जगह पे आपको इजी यूज़ करना है, तो आप जब कपड़े धोते समय ही आप इजी डाल दीजिए, बाद में नहीं डालना है। ओके स्पिन के टाइम नहीं, वॉश के टाइम डालना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णा माला जी। हाय स्वर्णा जी, स्वर्णा जी बोल रहे हैं हाउ टू वॉश जीन्स इन सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, प्लीज़ अपलोड अ वीडियो। ओके डियर, डेफिनेटली आई अपलोड अ वीडियो ऑन इट। ये जीन्स एक्चुअली मुझे कुछ लोगों ने पूछा है कि जीन्स कौन से मोड में धोया जाता है, कैसे धोया जाता है मशीन में, प्लीज़ बताइए। तो मैं ज़रूर जल्द से जल्द कोशिश करूँगी आपकी जो ये इच्छा है उसको मैं मतलब वीडियो में कन्वर्ट करूँगी जल्द से जल्द। नेक्स्ट है गीतांजलि श्रीवास्तव जी। हाय गीतांजलि जी, गीतांजलि बोल रहे हैं आप किस सिटी में रहती हो, इतना कम प्राइस में सोफा कम बेड कहाँ से मिला, और उन्हें लिविंग रूम वाला जो मैंने आइडियाज़ बताया था लिविंग टूर का जो टूर कराया था मैंने, तो उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच उसके लिए, आप लोग ने इतना सारा प्यार दिया उस वीडियो में, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, बहुत सारी आपको इनोवेटिव आइडियाज़ देखने के लिए मिलेंगे, सिंपल सोबर कम प्राइस में आपको देखने के लिए मिलेगा, और थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, अपना भी आइडिया लगा के और कुछ हमारा भी आइडिया लेके आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। तो गीतांजलि जी, मैं मुंबई में रहती हूँ और उल्लासनगर फर्नीचर मार्केट से मैंने फर्नीचर लिया है, और बहुत ही अच्छे प्राइस में, क्योंकि वो होलसेल है और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलता है वहाँ पे। नेक्स्ट इज श्वेता राठौड़। हाय डियर, वो बोल रहे हैं मैम सर्फ यूज़ करना ज़रूरी है क्या, उन्होंने बोला है हाउ टू क्लीन सैमसंग वॉशिंग मशीन में, उन्होंने पूछा है सैमसंग की वॉशिंग मशीन में सर्फ यूज़ करना ज़रूरी है क्या। नहीं डियर, सर्फ यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, डिटर्जेंट यूज़ करना ज़रूरी नहीं है मशीन में कपड़े धोते वक्त, आप लिक्विड डिटर्जेंट आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और आप क्लीनिंग करने की बात कर रहे हो तो भी क्लीनिंग करने के लिए आपको यूज़ करना ज़रूरी है, और अगर आप उसके लिए पूछ रहे हो तो क्लीनिंग करने के लिए डिटर्जेंट ज़रूरी है, या फिर डिटर्जेंट नहीं डालना चाहते हो तो आप लिक्विड वाला जो मिलता है अपने को मार्केट में वो भी आप डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन डालना ज़रूरी है। ओके नेक्स्ट इज विद्या जी। हाय विद्या जी, विद्या जी बोल रहे हैं कैन आई ऐड डेटॉल इन सॉफ्टनर होल्स, उन्होंने बोला है जो मैंने आपको बताया था आपके रिक्वेस्ट पे ही, मैंने जो व्यूअर्स का रिक्वेस्ट है उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट मैंने आप एक वीडियो बनाया था कि सॉफ्टनर कहाँ पे डालना है एग्जैक्टली मशीन में, बहुत लोगों ने पूछा था, वो ही पूछ रहे हैं विद्या जी की डेटॉल वहाँ पे डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल आप डेटॉल वहाँ पे डाल सकते हो, नो इश्यूज। नेक्स्ट इज़रत जहान जी। हाँ इज़रत जी बोल रहे हैं दी मैंने पहले कपड़ों को वॉशिंग पाउडर से धोया है लेकिन दाग नहीं उठा, अब क्या मैं इस तरीके से यूज़ करने से बेनिफिट होगा, डेफिनेटली वो बेनिफिट होगा आपको इस जी, आप कपड़ों से अगर आपने डिटर्जेंट से वॉश कर भी दिया है तो नो इश्यूज़, आप इस तरीके को वॉश, उन्होंने बोला है मैंने जो ऑयल स्टेन का आपको बताया था कि ऑयल स्टेन कपड़ों से कैसे निकालना है चुटकी में, तो वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, इस वीडियो को आप अभी तक अगर आपने देखा नहीं तो जाके देख लीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा उससे, और आमतौर पर हमारे कपड़ों पर ऑयल वगैरह लगता ही रहता है तो उसे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर हमारा फेवरेट कपड़ा हो तो, इज़रत जी का भी फेवरेट कपड़ा उन्होंने मुझे बताया था, दो उनके जो कपड़ों में ऑयल स्टेन्स लग गया, अचार का जो ऑयल होता है वो स्टेन लग गया है, डेफिनेटली इज़रत जी आप इस तरीके को ट्राई कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, अगर वो जो स्टेन है वो बहुत पुराना है तो आप इसको रिपीट कर सकते हो ये स्टेप को, लेकिन निकलेगा तो ज़रूर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज
अलू ऑल माई डी, हाय अलू जी, हाय डियर, वो बोल रहे हैं हाय, डिड यू गॉट योर वारंटी कार्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी? उन्होंने बोला है एलजी का जो माइक्रोवेव अवन का मैंने रिव्यू किया था उस वीडियो में, उन्होंने बोला है येस डियर आई गॉट वारंटी कार्ड अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, और मैंने उसको अमेजोन से मंगाया है। अब आप लोगों को चाहिए तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। जो भी मैं आपको इस चैनल पे आपके साथ में जो शेयर करती हूँ रिव्यूज़, उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई एम सॉरी, इसके पहले वाले संडे में मैं नहीं ला पाई क्यू एन ए वाला जो हमारा सेशन होता है एवरी संडे का, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी आप मेरी शक्ल पे देख सकते होंगे, उस टाइम तो मेरी आवाज़ और बैठी हुई थी, अब तो फिर भी ठीक है, तो इसीलिए सॉरी उसके लिए मैं नहीं ला पाई। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।